नमस्कार, मैं हूं वर्षा आपके साथ और आप देख रहे हैं SRV बुलेटिन न्यूज चैनल। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला ग्राम सभा का हुआ आयोजन। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रीति शर्मा ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी देते हुए सावधानियों के बारे में बताया। दतिया जिले सिंधवारी सेक्टर के अंतर्गत आने वाली ग्राम राव की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रीति शर्मा एवं आशा कार्यकर्ता उमा अरवार सहायिका वीरवती अरवार द्वारा आंगनवाड़ी पर जिला कार्यक्रम अधिकारी के निर्देशन में सबला महिला ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इस महिला ग्राम सभा का मुख्य उद्देश्य विश्व में फैले कोरोना वायरस के बारे में सभी को जानकारी देना एवं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के सम्मान एवं अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान करना रहा। इस मौके पर सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ग्राम की महिलाओं को शुभकामनाएं दी गईं। इसके बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रीति शर्मा के द्वारा कोरोना वायरस के बारे में बताते हुए लोगों से अपील की गई कि नोवल कोरोना वायरस फैलने से रोकें, खांसते छींकते वक्त अपने मुंह को रूमाल टिश्यू से ढकें, हाथों को लगातार साबुन से धोएं, अपनी आँखें नाक और मुंह को ना छुएं। अगर किसी को खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो उससे कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। जरूरत पड़ने पर नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें। तो वहीं इस मौके पर आशा कार्यकर्ता द्वारा सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएँ दी गईं। इस मौके पर सहायिका वीरवती अहरवार द्वारा महिला बाल विकास की योजनाएं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बालिका शिक्षा लाड़ो अभियान, बाल विवाह रोकथाम, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्वच्छता अभियान आदि के बारे में जानकारी दी गई। तो वहीं इस मौके पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रीति शर्मा, आशा कार्यकर्ता और सहायिका वीरवती अहरवार सहित ग्राम की महिलाएँ और बालिकाएँ मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। दतिया जिले से SRV पर रवि वसेड़िया की रिपोर्ट। जैसे तो क्या